फेंको काकी सा है तो उनके है आज गणगौर का बिंदोरा। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि जैसे कि बासेड़ा के बाद में 8 दिनों तक सबके गणगौर का बिंदोरा चलता है, उसमें गणगौर के गीत गाए जाते हैं, गणगौर को भोजन जिमाया जाता है और उनको विदा दी जाती है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, तो आइए आप लोगों को रूबरू करवाते हैं मेरे बीकानेर की संस्कृति से। मैं वैसे रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं, मम्मी मैं हर्षो हम तीनों ही जा रहे हैं। अभी हम यहाँ आए हैं, गणगौर गणगौर का भी है तो इधर भी आए हम। ये तो मतलब बहुत बड़ा है, मतलब ये फंक्शन ये है बाजरे की घूघरी जिसको घी डाल के और गुड़ डाल के खाया जाता है और जो कि होता है बड़ा ही स्वादिष्ट। हम अब शाम हो गई है और इतना अच्छा मौसम है ना, ठंडा ठंडा, हम फ्री हो गए हैं क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया स्टडी का और हम जा रहे हैं अपने घर पे। हमारे यहाँ पे गणगौर का बिंदोरा ऐसे ही होता है, सब घरों से गणगौर आती है, ईसर जी आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भोग लगता है। बाकी की मैं आपको घर पे बताऊंगी। फेंको फेंको मैं बिंदोरा, माही को मैंने फ्री कर दिया है, हर्षु स्टडी कर रहा है। hey guys! तो कैसे हैं आप लोग? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जल्दी जल्दी हमारी कॉलोनी के बच्चे एक एक करके सब घरों से गणगौर ईसर जी लाए जा रहे हैं और हमारे घर पे इन सबको रख देंगे। इसके बाद में सभी बच्चे मिलके गीत गाएंगे गणगौर के और जीजा और हम तिलक लगाएंगे, सबको प्रसाद का भोग लगाएंगे जैसे जलेबी हो गया और पतासे, इन सबको इनको अर्पण। गातो बोले तो बोल मतिए, काड़ो बाटो का करो मन सामने दिखे, मधु बैगो सास रो मन सामने दिखे, मधु बोल मतिए, बैगो सास रो मन सामने दिखे, दिलिसा बोल मतिरे, दिलिसा बोल मतिरे, बोले तो घूंघट फटे खोल मथीरे, करो बटो का करो मन सामने दिखे, वर्षा भैरो सास रो मन सामने। अब काली बाया पीटी कौन लगो? मैं जीजा
ये सामने पढ़ाई तो नहीं तुम जीवन चुना द घूंघट ऊपर घूंघराए मां बिट्टू बड़े सुंदर। यहाँ पर जीजा ने सबके तिलक लगा दिया है और मैं एक एक करके सभी प्रसाद को गणगौर और ईश्वर जी के सामने रख रही हूँ। इसमें सीख भी है गणगौर माता की। एक 5-5 रुपए इन सबके अंदर रखे हुए पैकेट्स में, इन सब पैकेट्स में है मिठाई और सीख दोनों की। मैं वन वन करके रख रही हूँ सबके पास। आज है पहली नवरात्रि, न्यू ईयर हिंदुओं का, और हम मैंने उठते बैठते नवरात्रि किए। हर्षु के पापा ने, हमारे घर में सब नहीं किए, हर्षु ने नहीं किए क्योंकि ये है छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा। भी कोशिश तो की थी लेकिन मैंने मना कर दिया। दिन में सुबह खाना खिला दिया। अब है जो मैंने ये सामक की खिचड़ी बनाई है और हम दोनों अब खा रहे हैं। हाँ, ये आपके लिए। हम दोनों खा रहे हैं क्योंकि थोड़े से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मुझे तो एनर्जी की जरूरत नहीं, मैंने खा ली। खा ली मैंने तो। आई होप आप सभी ने भी अपनी कुल देवी के लिए व्रत किया होगा और हमारी तो हमने भी किया है, तो एंजॉय करते हैं हमारा आज का मील। आज आते ही, और पता है मतलब महीने में एक बार तो सभी को व्रत करना चाहिए, बड़े लोगों को तो, और बच्चों का उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए क्योंकि हर बच्चों के बस की बात नहीं होती है। तो बॉडी हेल्दी रहती है और यही मेन रीज़न है कि लेडीज़ की उम्र ज़्यादा होती है क्योंकि लेडीज़ कभी किसका व्रत कभी किसका फास्ट कुछ ना कुछ करती रहती हैं। इसलिए आप सभी को व्रत रखना चाहिए। हर्षु के पापा ने भी रखा है, हमारे जेठ सर ने भी रखा है, जेठानी सर ने भी रखा है। अब ये तो हमारे तो खान जिम ने बैठ गए बना, हम जिम थे। ये मैंने देसी घी में बनाया, पता है इसकी खुशबू सूंघ के मेरे को है ना वो उसकी याद आ रही है। ओ माँ, इसकी खीर वाली याद आ रही है। हाँ तो बन जाएगी तो इसमें क्या था। हो चुकी है शाम। दोपहर में मैंने हर्षु ने तो वो सामक खा लिए थे क्योंकि पूरा दिन भर भूखा कम ही रहा जाता है। अब 7:30 बज गई है, हर्षु कर अपनी स्टडी और मैं बनाऊंगी खाना है क्योंकि व्रत में आज जल्दी बनाना। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा एनर्जी थोड़ी कम ही बची है, बैटरी लो हो गई अब शाम तक। और मैं बना रही हूँ चने की सब्जी, पता है ये देखो ये है चने हरे हरे एकदम। इन सबको मम्मी ने छीला है और दूध गर्म चढ़ा दिया मैंने। फटाफट से खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे।